संगीत जिंदगी के अंधेरों को उजाले में बदल देता है। जहां शब्द साथ छोड़ देते हैं, वहां संगीत बोलता है। पूरे विश्व की एकमात्र आम भाषा आखिर संगीत ही तो है। भारतीय फिल्म संगीत में ये सारे गुण हैं। आज भारतीय फिल्म संगीत हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू के साथ यूं जुड़ा है, जैसे आकाश के संग नीला रंग, जैसे समंदर और लहरें। यानी कि एक की कल्पना दूसरे के बिना करना असंभव है। पिछले लगभग 80 से भी ज्यादा वर्षों में भारतीय फिल्म जगत ने एक से एक बेहतरीन गायकों को जन्म दिया। इन नायाब हीरो में से एक कोहिनूर हुए श्री मुकेश चंद माथुर। मुकेश के गीतों में वो सहजता थी, वो कोमलता थी, वो कर्णप्रियता थी, वो पवित्रता और ठहराव, जिससे राजा हो या रंग सभी प्रभावित थे, हैं और सदा रहेंगे। मुकेश इज अ लेजेंड, और लेजेंड्स केवल एक ही बार बनते हैं। लेकिन उस लेजेंड को हूबहू अगर किसी ने दोबारा पुनर्जीवित किया है तो वो नाम है मुख्तार शाह। मुकेश और मुख्तार, जैसे नाम में समानता है, ठीक उसी तरह न केवल उनकी आवाज, उनकी मधुरता, सुरीलापन, विनम्रता, बल्कि श्री मुकेश चंद माथुर की शख्सियत के हर पहलू को आपने अपने अंदर उतार लिया है। और आज पिछले 25 वर्षों से भी अधिक स्वर्गीय मुकेश जी की आवाज को लोगों के दिलों में जिंदा रखा है। कहीं दूर जब दिन ढल जावे, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। तो दोस्तों, आइए आपको दिखाते हैं मुख्तार शाह साहब के ऑफिस, जहां पर कि लॉ और म्यूजिक दोनों का समन्वय है। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। मगर ठहरिए दोस्तों, एक बेहतरीन गायक होने के अलावा मुख्तार शाह एक एडवोकेट भी हैं। कहते हैं कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, और इस बात को श्री मुख्तार शाह से बेहतर कौन जानता है भला। अहमदाबाद में जन्मे और म्यूनिसिपल स्कूल बापूनगर में पढ़े मुख्तार शाह को यूं तो बचपन से ही संगीत का शौक था, पर साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की रीतियों के अनुसार उन्होंने पढ़ाई में ध्यान दिया और 1985 में अपना सिंगिंग करियर शुरू करने के साथ ही साथ ग्रेजुएट होने के बाद LLB पास किया और वकालत करने लगे। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। अपने शुरुआती दिनों में आपने शौक से एक अनाउंसर की भूमिका निभाई, मगर देखते ही देखते कुछ ही वर्षों में मुख्तार शाह एक अच्छे सिंगर के रूप में पहचाने जाने लगे। बस फिर क्या था, भारत के विभिन्न शहरों और विश्व के कई देशों के टूर्स करने लगे, जिनमें से प्रमुख हैं इंग्लैंड, दुबई, शारजा, अबूधाबी, यूरोपीय देश, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और बहरीन। धीरे धीरे विदेशों के दौरे बढ़ने लगे, जिसकी वजह से लीगल प्रोफेशन और संगीत के बीच आपने संगीत को ही प्रायोरिटी दी। आपने 13 देशों में 50 से ज्यादा टूर्स किए हैं तथा भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और बंगाल से कई कलाकारों के 100 से भी ज्यादा ग्रुप म्यूजिकल शोज करने के लिए विदेश भेजे हैं। नवरात्रि के दौरान राज गरबा के शोज भी 1992 से लगातार UK और साउथ अफ्रीका में करते रहे हैं। 1996 में लेस्टर UK में
प्रिंसेस डायना की याद में आपने 2500 से भी ज्यादा लोगों के सामने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। 1998 में लंदन के लॉर्ड मेयर ने मुख्तार जी के गाने से प्रभावित होकर उन्हें बेस्ट सिंगर अवार्ड से नवाजा। इनके अलावा इस संगीतमय सफर के दौरान ढेर सारे अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मिले, जैसे कि 1991 में किवानीज क्लब केन्या अप्रिसिएशन अवार्ड, 1995 में कनाडा टोरंटो यूनिक शो ऑर्गेनाइजर अवार्ड, 1998 में दुबई मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट, 1998 में लंदन लॉर्ड मेयर बेस्ट सिंगर अवार्ड, 1999, 2003 एंड 2012 में साउथ अफ्रीका बेस्ट सिंगर एंड एंटरटेनर अवार्ड, 2006 में मोजाम्बिक टैलेंटेड सिंगर अवार्ड, 2007 बोत्सवाना बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड। अपनी मुख्तार शाह नाइट्स के बारे में वो बताते हैं कि 99 में हमने मुख्तार शाह नाइट की शुरुआत की और पहला हमारा जो प्रोग्राम था वो हमने नवसारी में किया और यहाँ से ये जर्नी की शुरुआत हुई। और ऑलमोस्ट हमने 2008 में 1000 प्रोग्राम्स हमने कंप्लीट किए सक्सेसफुली, और उसके बाद शोज़ भी काफ़ी बढ़ गए। अभी रिसेंटली अब हम लोग बहुत नज़दीक में 2000 शो पूरे करने जा रहे हैं, तो अगेन एक बिग सेलिब्रेशन करेंगे। आपको जानकर हैरत होगी कि 2008 टाउन हॉल अहमदाबाद में एक ऐसा शो किया जो लगातार 9 घंटों तक चला और उसमें 110 गाने गाए गए। आपने फिल्म जगत के दिग्गज प्लेबैक सिंगर्स जैसे कि कविता कृष्णमूर्ति, बप्पी लाहिरी, सोनू निगम, सुरेश वाडकर, अमित कुमार, शान, सुदेश भोसले, शारदा जी, पूर्णिमा ठाकुर, उषा टिमोथी के अलावा कई सारे फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों के साथ फॉरेन टूर्स किए और कंधे से कंधा और सुर से सुर मिलाकर शोज किए हैं। यही नहीं, आपने मुंबई वासियों के दिलों में तो खास जगह बनाई है। म्यूजिक डायरेक्टर्स, प्लेबैक सिंगर्स, बिग शो ऑर्गेनाइजर्स के शो में मुकेश जी के गीतों को प्रेजेंट करना हो तो सबकी पहली पसंद है मुख्तार शाह। 24 अगस्त 2013 एक ऐसा दिन था जब संगीतकार कल्याण जी की पुण्यतिथि पर आपने मुंबई के भाईदास हॉल में कल्याण जी के सुपुत्र विजू शाह के ऑर्केस्ट्रा के साथ 20 गाने मुकेश जी के गाए हुए, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर के समक्ष प्रस्तुत किए। आपको ये जानकर खुशी होगी कि पिछले 25 सालों में श्री मुख्तार शाह ने अपने संगीत में सफर में अब तक 16 ऑडियो एल्बम्स, गुजराती फिल्मों में प्लेबैक और टी सीरीज भजन एल्बम को हेमंत चौहान के साथ अपनी आवाज और अंदाज से सजाया है। ये पूछने पर कि आप पिछले 27 वर्षों से इस फील्ड में हैं, कोई ऐसा वाक्य जो आपको दिल तक छू गया हो, इस बात पर मुख्तार शाह कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस मुझे हुए हैं अपने इस मुकेश जी के गाने गानों की जो जर्नी है उस दौरान में, लेकिन एक सबसे ज़्यादा मुझे जो याद आता है एक एक्सपीरियंस वो ये रहा कि एक जेंटलमैन है जिन्हें अनफॉर्चुनेटली कैंसर की बीमारी थी और वो काफ़ी उससे परेशान भी थे, और उन्होंने जब वो मुझसे मुलाकात हुई तब उन्होंने मुझे ये बताया कि एक टाइम ऐसा था कि मैं सोच रहा था इससे परेशान हो के अपनी बीमारी से कि शायद सुसाइड कमिट करूं। उसी दौरान कुछ उनके दोस्तों के इंसिस्ट करने पर वो एक मर्तबा मेरा प्रोग्राम देखने के लिए आए, और वो मुकेश जी के गाने जो उन्होंने सुने उसके बाद से यूँ समझ लीजिए कि पूरा एक ट्रांसफॉर्म हुआ और वो ज़िंदगी को बहुत पॉजिटिव देखने लगे और इतने हैप्पी हुए कि उनकी वो बीमारी से रिकवरी भी बहुत फास्ट हुई। और उन्होंने मुझे ये कहा कि ये मुकेश जी के सिर्फ गाने हैं, ये संगीत है मुकेश जी का जिसने मुझे एक नया जीवन दिया है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आ। अपनी सच्ची निष्ठा, कड़ी मेहनत, मृदुल भाषी स्वभाव और एक अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व, ये सारे गुण आज मुख्तार शाह को न केवल सभी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट से बिल्कुल अलहदा चमकाते हैं, वरन साथ ही साथ सफलता की हर ऊंचाई को छूने में कामयाबी दिला रहे हैं। मुख्तार शाह ने इतिहास तब रचा जब गुजरात में पहली बार मुकेश फैंस क्लब की शुरुआत उनके सुपुत्र श्री नितिन मुकेश द्वारा करवाई और उसे सफलता पूर्वक चला रहे हैं। मुख्तार भाई,
ऐसा मानते हैं कि मुकेश जी के गीतों के जरिए लोगों का मनोरंजन करने का बीड़ा उन्होंने उठाया है और चाहते हैं कि संगीत का रंग चाहे कितना ही बदल जाए मगर आने वाली पीढ़ी को मुकेश के गीत इसी तरह से आनंद दिलाते रहें। दोस्तों, इस संगीतमय यात्रा में इनका कदम दर कदम साथ निभाया है उनकी धर्मपत्नी शमशाद, उनकी सुपुत्र सना एवं सुपुत्र साहिल और उनके घनिष्ठ मित्र तथा भाई श्री बिंदेश त्रिपाठी ने। दुनिया भर के संगीत प्रेमियों और खास करके मुकेश जी के चाहने वालों के लिए मुख्तार शाह का क्या संदेश है? मुकेश जी के गाने, उनके साथ साथ उस दौर के जितने भी गाने वाले थे उन सब के गाने बहुत डिवाइन हैं, बहुत रूह को सुकून देने वाले हैं। तो उन संगीत को सुनने से मेरा तो एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी लोगों से ऐसे मिलता हूँ जिन लोगों ने ये कहा है, जो एजेड लोग हैं तो वो लोगों ने कहा है कि पुराने संगीत के जरिए ही हमारी सेहत भी बनी हुई है और हमारी ज़िंदगी भी बहुत अच्छे से खुशी खुशी चल रही है। मेरा यही संदेश है कि संगीत में रहें, मुकेश जी के गानों के साथ रहें, खुश रहें, अच्छा संगीत सुने। ये सफर आप सबके प्यार, शुभकामनाओं, दुआओं